हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम खातिरों हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, मुल्की सियासत में किसी को दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन खानदानी सियासत का हमारे यहाँ कमोबेश हर शख्स किसी ना किसी तौर पर खुद किरदार होता है। इसी खानदानी सियासत को समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ही खानदान के चंद अफराद। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, अब्दुल कुद्दूस मेरा नाम है जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इन्वाइट किया है। ये बेगम है मेरी मदिया, भाभी आपकी, और ये अतीक मेरा बेटा है जी, एक ही बेटा है। और अल्लाह की रहमत से ये बहू है मेरी उस्मा। ये जब से आई है हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई, अल्लाह ने बेटी भी दे दी, बेटा भी दे दिया। और ये साथ दुरानी बैठा हुआ है मेरा, बचपन का जिगरी यार। अच्छा जी हाँ, ये उस्मा का फादर भी है जी। अच्छा, इसका मतलब आप समझी हैं आपस में? हाँ जी, मैंने कभी समझी नहीं समझा, मेरा तो यार है। और ये साथ अब्दुल सलाम बैठा हुआ है, ये मदिया का भाई है जी। अच्छा, आपके बरादर है नस्बती? हाँ जी जी, ये हमारे साथ ही रह रहा है जी। अच्छा, दो फैमिलीज रहती हैं? नहीं जी नहीं, ये सिंगल है, इसने शादी नहीं की सारी। अच्छा, सिंगल लगते तो डबल है वैसे। और ये साहब? ये सदीक है जी, ये भी हमारा फैमिली मेंबर ही है, बड़े अरसे से हमारे घर में मुलाजिम है। ये अतीक इसके हाथों में ही बड़ा हुआ है। अच्छा। जी, घर का फर्द ही समझा जी हमेशा, कभी नौकर नहीं समझा इन्होंने। माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली है। हाँ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भी बड़ी अच्छी गुजर रही है जुनैद साहब। वो ऐसा कोई जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं घर में, हाँ जी, कोई ऐसा मसला हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा मोहतरमा, आप भी अपनी जिंदगी से खुश है, मुतमैन है? अल्लाह का शुक्र है जी, मुतमैन है जी। हर महीने नया सूट सिला लेती है, मुतमैन। उनको बताने देना जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है। तभी तो सुबह उठती हूँ जल्दी। और आज तक कद्दूस साहब को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर देती हूँ। बहू नहीं नाश्ता बनाती है उनके लिए? नहीं जी, ये तो दोनों मियाँ बीवी 11 बजे उठते हैं। ओ बस, ये जुनैद साहब यंग जनरेशन आपको मालूम है, आजकल ऐसे ही लेट ही उठते हैं सारे, कोई ऐसी बात नहीं। हाय, हम यंग नहीं थे? हाँ जी माशाल्लाह, जब यंग थी इससे डबल थी। जब मेरी शादी हुई है ना, इसने 4 डोलियां तोड़ी थी। तब से लेके आज तक मुझे सुबह 6 बजे उठने की आदत है। हाँ जी, और उठती एक अद्धा चूचा फेंक देती। अपने सास ससुर को जब तक वो जिंदा रहे अपने हाथ से नाश्ता करवाया है। हाँ जी, फिर इसके नाश्ते की वजह से ही रुखसत हुए। मैं और भाईजान सोते भी लेट हैं और सुबह उठ भी जल्दी जाते हैं। अच्छा हाँ जी, मैं और अब्दुल सलाम तो रात गए तक वो शतरंज की बाजी लगाते रहते हैं। अच्छा हाँ, और फिर तकरीबन 12 बजे के करीब अब्दुल सलाम इतने ठंडे दाल चावल खा के सो जाता है। अच्छा, फिर कुछ 4 बजे के करीब रात को उठ जाता है टॉयलेट जाने के लिए, फिर सो जाता है, फिर 6 बजे बेचारा भूख लगने की वजह से उठ जाता है। अच्छा, आप दोनों सुबह क्यों नहीं उठते, जब आपको पता है कि आपकी सास इसी बात पे नाराज है? उठना चाहिए आपको। अब अम्मी अबू भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अतीक रात को लेट आते हैं, इनका काम होता है, तो बस फिर इन्हें खाना गर्म करके देना होता है और कुछ छोटे मोटे काम होते हैं घर के वो निपटाती हूँ, तो देर सवेर तो हो जाते हैं। बस जुनैद साहब, ये असल में यंग लड़के जो है आजकल आपको मालूम है, रात गए तक ये फोन शून पे लगे रहते हैं, फिर ये लैपटॉप वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, तो सोते सोते इनको वाकई देर हो जाती है। इसमें ऐसा कौन सी क्यामत आ गई है? मैं कब कह रही हूँ कि क्यामत आ गई है? तो तुम कहो ना, मगर स्टार्ट हो जाओ तो आ जाती है। हाय हाय, हम भी सारे काम निपटा के रात को देर से ही सोते थे, मगर सुबह जल्दी उठते थे। कद्दूस साहब, सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमत की है, पर हमेशा जरा सी बात हो तो बहू के साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा बाबा, बहू कौन सी को बेगानी है, अपनी बेटी है वो भी, उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ तो क्या है, उसका बाप हूँ। जुनैद साहब, असल मसला ये है कि जिंदगी वाकई बदल गई है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये सारे कामों से फारग होती थी,
तो बेरों वाली टोकरी आगे रख के बैठ जाती थी। ज्यादा से ज्यादा इसकी इंजॉयमेंट यही होती थी, किलो डेढ़ किलो बेर खा लेती थी। श्यो बेर बड़ा पसंद था इसे, छोटे बेर लेके आता था, कहते इसका तो पता ही नहीं चलता मुंह में। फिर श्यो बेर लेके देने इसे और इसने किलो डेढ़ किलो रोज खा लेते। याद आ पौना किलो मूंगफली खा लेती थी। यही रात की मसरूफियत होती थी। मगर अब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें निकल आई हुई है जनाब साहब, ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, फोन पे बेशक आप 10 घंटे भी लगे रहे, वक्त खत्म ही नहीं होता और ना ही इंसान बोर होता है। तो ये वो बच्चे हैं। अच्छा दुरानी साहब, आप बच्ची के बाप हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच मिस्टर जुनेद। मैं एक्चुअली ऐसी बातों पे इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं शिकार खेलता हूँ, शिकारी हूँ, जंगलों में पहाड़ों में शिकार करता हूँ। मैं तो शहर में बहुत कम आता हूँ। अच्छा जी 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 जी, वो तो आपने सुना होगा कि इनकी मौत आई हो तो ये शहर में आते। आप अपने दोस्त की बेतकल्लफी का फायदा उठा रहे हैं। यार मेरा बड़ा इसको शौक है शिकार पे, तो ये मरता है। ओ यस, हंटिंग इज माई पैशन। मैं कहता हूँ जी कि इसको कोई शिकार ना नजर आए तो ये अपने बच्चे आगे लगा लेते। बच्चों की सुबह लेट उठने की आदत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिलीव मी, मैंने तो इनको बहुत समझाया, इनको मिसालें दी हैं कि शेर सुबह सुबह घर से निकलता है, हिरन सुबह सुबह चौकटियां भर रहे होते हैं। तो फिर शेर हिरनी को खा भी तो जाता है। बजरंग साहब इस बच्ची के जेहन में बैठ गया हुआ है कि ये शेर है। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है बेटा। असल में जुनैद साहब, ये बच्चियां जितनी देर तक सास को डायन समझती रहे और ऊपर से सास की थोड़ी सी शक्ल भी मिलती हो तो बच्चियों का खौफ जाता नहीं है। वाह क्या बात है भाईजान, से हमने बहुत कुछ सीखा है। की सीखा जी? साइकिल का पिछला पहिया खोल के फिट कर लेते हो। दुरानी साहब मैं कह रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है, ये बच्चों को भी सीखना चाहिए। देखा जी ऐसे फैमिली में लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातें करके बात को बढ़ाते हैं। बात ऐसे नहीं बढ़ती दुरानी भाई, ये बढ़ाती है। जहाँ आग लगी होती है ना, धुआं भी वही से निकलता है। देखा आपने बहन जी, जब आप रिश्ता लेने आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे सामने धुएं की बात नहीं करनी। देख रहे हैं आप अपनी अम्मी को, स्ट्रेट फायर कर रही हैं ये। चलो हो गई शुरू खामन के कान भरने। तुमने सारी जिंदगी क्या किया है? ना मैंने सारी जिंदगी क्या किया है, मैंने सारे खानदान को जोड़ के रखा है। जदो इंडी एल्फी बीबी। जुनैद साहब मैं दफ्तर से घर आता था, दरवाजा खोल के ये भली मानस शुरू होती थी, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, तुम्हारी माँ ने वो कर दिया, तुम्हारी माँ ने ये क्यों कहा, तुम्हारी माँ ने वो क्यों कर दिया। क्यों जी बताए? दरअसल जुनैद साहब मदिया ना समझ थी, इसकी शादी छोटी उम्र में होगी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी, मैं दफ्तर से आता था आगे मेरा स्वेटर पहन के फिर रही होती। वो तो मैं आपकी मोहब्बत में पहनती थी। हाँ जी मोहब्बत मोहब्बत है जी, स्वेटर खुला कर छेड़ दी। जुनैद साहब सारी जिंदगी में घर दाखिल हुआ हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई चीज कोई शॉप पर बैग इसने देखा है फौरन इशारा करके कमरे में बुला लिया। अब्बा ही ने तंबाकू भी चेक कर दी सारी, फिर उन्होंने दे दिया। तुम्हारी बहू भी यही काम करती है? नहीं जी अम्मी जी, अल्लाह का शुक्र है ऐसी छोटी आदतें नहीं है मुझे। अम्मी खुदा के लिए बस कर दें आप, और उसमें तुम भी चुप रहो। चुप ही हूँ मैं जब से आई हूँ। अजय जी आप घरेलू मुलाजिम है, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, आप बताएं इन मामलात में कसूर किसका होता है? सर जी अल्लाह को जान देनी है, सारा कसूर बड़े साहब का है। कैसे? वो कोई ठोस इकदाम ही नहीं उठाते। बीबी आपस में लड़ती रहती है, ये तमाशा ही बढ़ के हंसते रहते हैं और इस तरह से होते हैं जैसे T20 मैच देख रहे हैं। नहीं तो और क्या किया करूं भाई, जब लड़ रही हो तो उठ के इफ्तिखार ठाकुर वाला डांस शुरू कर दूं। भाई एक तरफ मेरी बीवी है जिसके साथ सारी जिंदगी गुजरी है, एक तरफ बेटा और बहू है जिनके साथ बाकी सारी जिंदगी गुजरनी है। बस जिंदगी तो मेरी अजाब बनी हुई है, दोनों सुपर पावर्स के दरमियान सैंडविच बनाऊं। ये तो नसल दर नसल हमारे माशरे का एक अलमिया है ना, कहा जाता है कि जो शौहर है वो शादी के बाद भी स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहता है, सीखता रहता है पढ़ता रहता है। बीवी कहती है
सास पट्टियां पढ़ा रही है, सास कहती है, बीवी सिखा रही है, सीखता पड़ता ही रहता है सारी जिंदगी। कोई बात नहीं जुनैद साहब, ऐसी एक दूसरे को मैनेज करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। हाँ। छोटी छोटी सी जिंदगी है, ऐसी कौन सी जिंदगी अजाब हो गई है इसकी। अम्मी तो सब कुछ सुनते हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने इसे कहा, बेटा बहुत सर्दी हो गई है यार, को मोटा कोट ला दो, रजाई से निकलता हूं तो बड़ी ठंड लगती है। तो कहता क्यों निकलते हैं रजाई से, आपने कौन सा कायदे आजम लाइब्रेरी जाना होता है। देखा, ये जुबान सिर्फ आपके बेटे की थी, लफ्ज किसी और के थे। मेरे बेटे के पीछे खलील उरमान कमर लगा हुआ। पापा देख रहे हैं ना आप, आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं। और इन्हू डांट के कुट खा लो, अपने बच्चे को समझाना होता है। दुरानी भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप हमें भी डांट सकते हैं। तुम फिर दे कदूस साहब के आसे पासे जंगल च मिले मैनू कि तेन मचान से बैठा बैठा ऐसा फैर मारा, पहले तू अड़ेंगदा ऐनू जावे, फिर अड़ेंगदा ऐनू जावे, फिर बिचकार आके मर जावे। दसो कदी ऐनू जाऊ कदी ऐनू जाऊ, एडी तू मिर्च वाली गोली मारनी। मुझे ना बताओ, मैं शिकारी हूं, मिर्चों वाली गोली नहीं होती, मोटी खाल वाला जानवर जरा गिरते गिरते देर लगाता है। दुरानी साहब है मोटी खाल का किनू कह जी। बहुत अच्छे उपरा जरा मोटी खाल का गुस्सा कर रहे हैं, जानवर का गुस्सा नहीं कर रहे। असल बात बीबीओ ये है कि खानदान बनाने में और बिगाड़ने में एक चीज बुनियादी किरदार अदा करती है और वो है इंसान का ज़र्फ। बर्दाश्त करने पे आए इंसान तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेता है, खानदान को बचा लेता है, और बिगड़ने पे आए तो मामूली मामूली बातों में बिगड़ जाते हैं इंसान। सर जी यही बातें मैं बहू राड़ी को समझाता रहता हूँ। एडिया मुश्किल गला तू कहीं समझाना है, तू घर से नौकर लगा के फायदा नहीं फायदा लगा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।